सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन टेलरिंग में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पटियाला सलवार स्टिचिंग। दोस्तों, ये हमारे पास ये कपड़े हैं, ये हमारे पास ये है, ये इसकी पजामी है। ये कली है, ये हम इसमें जोड़ेंगे। और ये मियानी है और ये बेल्ट है। तो ये पजामी को हम इस कली में जोड़ेंगे। तो हमको ये एकदम इसमें सीधी सीधी सिलाई फेरना है। इसको इस तरीके से जोड़ लें आप। ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, दोनों को जोड़ लेंगे और सीधा इस पे सिलाई फेर देंगे। अब ये हमारी इसमें कली जुड़ गई है पजामी में, तो अब इसमें हम बुकरम लगाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से पट्टी है, हमने काट ली है पहले से। इसको जोड़ लेंगे इसके जो ऊपर के हिस्से पे, इस तरीके से ये नाप लें आप। और इस तरीके से इसमें बुकरम लगाना है आपको। ये आप इस तरीके से इसमें बुकरम सेट कर लें। तो ये हमने इसमें बुकरम लगा दी है। अब इसको हम इस तरीके से ये इसमें फोल्ड करेंगे। और इसमें ये जोड़ देंगे, ये आगे की इस तरीके से आगे की तरफ को रखना है और इसमें सिलाई फेर देना है। अब इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर लें अंदर की तरफ। आपको इसको फोल्ड करना है और फिर इस पर सिलाई फेर दें ऊपर की तरफ से। अब नीचे इसकी नीचे सिलाई फेरेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमने इसमें सिलाई फेर दी है, तो इस तरीके से तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी जो पजामी है इसमें हम ये इसको सेट कर लें पहले। तो ये हमने इस तरीके से इसको ये सेट कर लिया है। तो इसका जो नाप लेते हैं, जो हर एक जो पजामी सिलती है तो आपको नाप लेना होता है इससे, कितना आपको ये छोड़ना है। ये तो इसको आप छोड़ना पड़ता है, ये 10 इंच आपको इसको छोड़ दें जिससे कि इसमें हम मियानी होती है ये इसको सेट कर सकें। तो इसमें हम मियानी को सेट कर देंगे। तो आपकी जो इच्छा है, अगर आप चाहें तो इसमें पहली जो पजामी इसमें सेट कर दें या दूसरी उसको सिलेंगे उसमें सेट कर लें आप। तो करनी है आपको दोनों एक ही पजामी। तो जैसे कि मैं आपको मैंने बताया, आपको ये ध्यान रखना है मियानियों का, जो दोनों बराबर नाप होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमने दोनों इसमें मियानी सेट कर दी हैं।
तो अब आपको ये देखना है जो आपकी जो कली है वो आगे की लंग लगी है, तो उसी तरीके से आपको जो दूसरा कली लगाना है। इस तरीके से ये दूसरा भी कली लगाना है आपको, और उसी तरीके से ही आपको बुकरम लगाना है जैसे हमने इसमें लगाया है, जो पहली आपकी पजामी थी उसी में आपको ये पजामी में आपको कली इसमें सेट कर देना है। तो ये हमने पजामी में कली को सेट कर दिया है, तो इसको थोड़ा छांट लेंगे और वही जो मेथड रहेगा जो हमने पहले किया था, पहले हमने ये पजामी में बुकरम जोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको पैक कर देंगे। तो दोस्तों ये मैंने ये दूसरी पजामी भी सेट कर दी है, तो ये देख सकते हैं आप, हमने ये दूसरी पजामी भी सेट कर दी है, तो वही नियम था जो हमने पहली पजामी में किया था, बुकरम लगा के पैक कर देना है। तो पहली पजामी जो हमने म्यानी लगाई हुई थी उनको हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा ये पहला साइड है, और इसका भी इसी तरीके से हम पहला साइड लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तरीके से ये पहला साइड जोड़ दिया है, अब हम इसमें दूसरा साइड जोड़ेंगे। इस तरीके से हमको दूसरा साइड जोड़ना है। तो ये हमने म्यानी को इसमें जोड़ दिया है, दोनों पजामियों को आपस में जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है म्यानी के जरिए। अब हम इसको जो इस तरीके से पैक कर देंगे, तो ये खुला हुआ है। तो ये हमने इसको पैक कर दिया है। तो दोस्तों अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास ये दो इस तरीके के टुकड़े हैं प्लेन सीधे सीधे, दोनों को हम आपस में अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को। इस तरीके से दोनों को जोड़ देना है। तो इसका जो पहला साइड है उसको हम इस तरीके से पीछे फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर से सिलाई फेर देंगे। तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये हम किसके लिए, ये हम नारे के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इसको ये सेट करेंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई फेर देंगे। अब हम इस तरीके से इसको आपस में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों को बराबर, और इसके थोड़ा छोड़कर इसकी सिलाई कर लेंगे।
तो ये हमने इसमें सिलाई कर दी है। तो इधर आपको ये इसका जो बीच का जो पॉइंट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो बीच का ये पॉइंट है इसको आप पकड़ लेंगे, और उसी तरीके से जो आपकी पजामी में जो बीच का पॉइंट है उसको भी आप, जो सिलाई का पॉइंट है बीच का, उसको भी इसी तरीके से पकड़ लेंगे। ध्यान रखना है आपको कली की तरफ से नहीं लेना है, आपकी ये पीछे की जगह है उधर से आपको ये लेना है, और दोनों को इस तरीके से आपस में आप जो है इस तरीके से जोड़ लेंगे, और चुन्नट डालते हुए इसको सेट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है आपकी कली है वो आगे की तरफ आनी चाहिए। तो ये आपको, ये आपके जो जो आपका जो बीच का जो ये है आपको सिलाई की है उनको आपको इस तरीके से जोड़ देना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है मियानी की जगह को, आपको दोनों को आपस में ही ज्वाइंट करना है बराबर रहे। तो इसमें आप चौड़ी प्लेट भी डाल सकते हैं, आपका इच्छा है आप कैसी प्लेट इसमें डालना चाहते हैं। तो ये हमने इसमें पूरी तरीके से इसमें प्लेटें डाल दी हैं, तो इस तरीके से आपको प्लेट डालते हुए इसमें पूरी आपकी जो बेल्ट है सेट कर देना है। तो इसमें हमारी बेल्ट सेट हो गई है। तो दोस्तों इधर मैं आपको बता दूं, आपको ये आपने कर लिया है, तो आपको इसके ऊपर से सिलाई फेरना है। इधर आपको ध्यान रखना है, जब आप इसके ऊपर से सिलाई फेरे तो नीचे जो कपड़ा है वो आपका दबना चाहिए। तो ये हमने इसके ऊपर से सिलाई फेर दिया है, आप देख सकते हैं आपकी पटियाला सलवार की जो सलवार है वो आपकी तैयार हो गई है। तो दोस्तों पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग ये यही है। तो कटिंग तो मैं पहले डाल चुका हूँ, उसका अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी वीडियो में, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इधर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसमें घेर बढ़ाना चाहते हैं ये पटियाला सलवार में, तो आप कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, आप कपड़ा 2.5 मीटर ले सकते हैं, 3 मीटर ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप घेर बढ़ाना चाहें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ, आज के इतना ही, धन्यवाद।